क्या क्या बताऊंगी दीदी, आप तो स्कूल से सस्पेंडेड हो ना, आप कहाँ जा रहे हो? आप फिर से लेट गए बेटा, कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बहाना बना रही हूँ। मम्मा की जान से बचने के लिए मैं ऑलरेडी इतना झूठ बोल चुकी हूँ। हाँ ये बात तो है, तो अब आप क्या करोगे? कोई बहाना मारकर 3 दिन स्कूल से छुट्टी ले लूंगी। मतलब अब आप और झूठ बोलोगे? और कल भी कह सकती हूँ। The next day. अरे स्कूल का टाइम हो गया मेरे बच्चों, उठो बेटा, उठो उठो उठो, शनाया अनान्या बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया मेरे बच्चों, उठो उठो उठो, चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। कैसे उठेंगे? शनाया उठो बेटा, अनान्या उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, चलो सियान उठो उठो, उठ जाओ जाओ जाओ, चलो उठो, आओ आओ शनाया। दीदी आप तो स्कूल से सस्पेंडेड हो ना, आप कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, शनाया उठो ना बेटा, ब्रश करो, आओ। अनान्या आप फिर से लेट गए बेटा, उठो ना, इधर आओ। क्या हुआ? मामा मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो रही है। पेट में दर्द हो रही है? मगर अभी तो तुम नीचे उतर आई थी। वो मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रही है। अच्छा चलो, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी आज। लेटो लेटो, चलो बेटा ब्रश करो, लेट हो रहा है। Day 2. उठो बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया, टिफिन पैक हो गए, उठ जाओ उठ जाओ, सियान चलाया अनन्या। हाँ बेटा हाँ, पेट में दर्द हो रहा है आज भी? हाँ जी हाँ जी। ये चक्कर क्या है? कल भी पेट में दर्द हो रहा था, आज भी मेरे आने से पहले पेट में दर्द हो रहा है। कुछ छुपा तो नहीं रही तुम? नहीं नहीं मम्मा, मैं बहाना क्यों मारूंगी, नहीं मैं बहाना क्यों मारूंगी, नहीं नहीं सच में मेरे पेट में दर्द हो रही है। सो जाओ, चलो शनाया उठो उठो बेटा, आजो आओ स्कूल चले, आओ सियान आजो, कम 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 कम, चलो चलो। Day 3. चलो चलो चलो, स्कूल का टाइम हो गया, उठो 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 उठो, आजो 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 आजो, उठो 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 उठो, चलो चलो चलो। आपको ऐसा लगे ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बहाना बना रही हूँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं शनाया और सियान को स्कूल भेज के आती हूँ, फिर मैं मेडिसिन देती हूँ, लेटो मैं आती हूँ। Later. भगवान मैं तो भूल ही गई, हाय हाय, अनान्या को तो दवाई देनी थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। माय गॉड, मैं पहले काम करूं, नहीं पहले अनान्या को दवाई देती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची को इतना दर्द हो रहा है और दवाई भी नहीं है। आज मेरी एक्टिंग और सस्पेंड होने का आखिरी दिन है, बस मम्मा को ना पता चल जाए। अनान्या को बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, दवाई भी नहीं है। ऐसा करती हूँ मैं दवाई लेकर आती हूँ। रमनीक रमनीक,
रमी सुनो ना, अनाना के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दवाई भी नहीं है। मैं ना उसका दवाई लेकर आती हूँ, आप उसका ध्यान रखो। मैं आ रही हूँ फटाफट। Later. ये क्या बोली? अरे तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? रमीक, मैं भागती भागती जा रही थी, अनाना की मेडिसिन लेने। मुझे लग रहा था उसको बहुत दर्द हो रही है, बेचारी चीख रही थी। अगर घर पे दवाई भी नहीं थी और मैं भाग रही थी, मुझे एक बार मोटरसाइकिल वाले ने हिट कर दिया और मैं गिर गई। अरे बोली, तुम्हें तो बहुत लग गई है। और अनाना, तुम जल्दी जाओ, फर्स्ट एड किट लेकर आओ, जल्दी जाओ। अनान्या, अरे शनाया तुम जाओ, फर्स्ट एड किट लेकर आओ, जल्दी जाओ। पापा, मुझे फर्स्ट एड किट नहीं मिली। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम, I'm sorry मम्मा। सॉरी किस लिए अनान्या? तुम क्यों रो रही हो बेटा? तुम क्यों सॉरी बोलोगी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था और मैं ही भागती भागती ना जा रही थी। कोई बात नहीं, मेरी गलती है। मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा था मम्मा। क्या क्या क्या? तुम्हारे पेट में दर्द नहीं था तो तुम 3 दिन से स्कूल की छुट्टी लेकर क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं स्कूल से सस्पेंड हो गई थी। क्या सस्पेंड? पर कैसे? क्यों? क्योंकि मैं आपको टीचर से मिलवाने नहीं लेके गई थी। अरे पर बाबा, कोई टीचर से मिलवाने लेके जाना ही क्यों था? क्योंकि मैं साइंस की एग्जाम में फेल हो गई थी। साइंस की एग्जाम में फेल हो गई थी। और तो मैंने आपके फेक सिग्नेचर्स भी करे थे। पर तुमने मुझे कहा था तुम्हारे 42 out of 50 आए हैं। हाँ, मैंने बोला तो था, पर वो एक झूठ था। मुझे एक झूठ बोलने के बजाय 100 झूठ और बोलने पड़े थे। मैं अपने झूठ में फंसती जा रही थी। और इन सारे झूठ में मैंने दीदी का साथ दिया था। और इन सारे झूठ का नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे दोनों की वजह से मम्मा को चोट लग गई ना। वी आर सॉरी पापा मम्मा। बेटा, आप लोगों को तो अपने किए से ही सबक मिल जाना चाहिए। बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बड़ी बन गई। अगर आप पहले ही बता देते कि आप साइंस लिस्ट में फेल हो गए हो तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे बहुत डांटते ना। हाँ बेटा, डांटती तो जरूर, मगर तुम्हारे भले के लिए। फेल होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। और अगर तुम ये सब बता देती तो तुम्हें इतने सारे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हाँ, मम्मा को चोट भी नहीं लगती। मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी नहीं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनबॉक्सिंग ऑफ 25 गिफ्ट्स टॉयज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मेरे फेवरेट तो सारे टॉयज थे। मेरे भी। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत मजा आया। क्लिक 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 क्लिक।